नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसएससी पेपर लीक मामले में वनरक्षी गिरफ्तार। बिहार में शीतलहर का अलर्ट हुआ जारी। बिजली दर बढ़ाने को लेकर बिजली कंपनियों ने दिया प्रस्ताव। इस साल भी पूरा नहीं हुआ नालंदा में इंटरनेशनल स्टेडियम का काम। उप कप्तान बनने के बाद पिता से मिला सूर्या को यह खास संदेश। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कम वोटिंग से उलझा पटना नगर निगम में जीत का गणित। बीते दिन बुधवार को बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया खत्म हुई। ऐसे में पटना नगर निगम में कम वोटिंग होने से उम्मीदवारों की जीत के गणित का पूर्वानुमान गड़बड़ा गया है। नगर निगम चुनाव के जानकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेयर पद के लिए सीता साहू और महजबी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन डिप्टी मेयर पद के लिए किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अधिकतर बूथों पर मतदाता डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का नाम तक नहीं जानते थे। वहीं इस बार महिला मतदाता वोट करने में काफी पीछे रहे। केवल 32.17% महिलाओं के द्वारा ही वोट दिया गया, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,23,843 है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में वनरक्षी गिरफ्तार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई तृतीय स्नातक परीक्षा के प्रथम पाली का पेपर लीक होने को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दो और युवक को अपनी गिरफ्त में लिया है, जो बांका और नालंदा का रहने वाला है। बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सुइया पुलिस की मदद लेकर एक वनरक्षी को अपनी गिरफ्त में लिया है, जो सुपौल जिले का रहने वाला है और जिसका नाम रविन्द्र कुमार बताया गया है। वहीं नालंदा से जिस युवक की गिरफ्तारी की गई है उसका नाम मनीष बताया गया है। बिहार में शीतलहर का अलर्ट हुआ जारी। बिहार में लगातार बढ़ते ठंड को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि अगले 72 घंटे के बाद लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिल सकती है, क्योंकि अगले 72 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि नए साल 2023 को आते आते लोगों की ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। आज से शुरू हुआ दलाई लामा का 3 दिवसीय टीचिंग कार्यक्रम। बिहार के गया में आज से कालचक्र पूजा की शुरुआत हो गई है, जो कि अगुवाई बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही आज से 3 दिनों के लिए बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत हो गई है, जो कि 29, 30 और 31 दिसंबर तक चलेगी। इस टीचिंग कार्यक्रम में नागार्जुन का पाठ होगा और 21 तारा देवी को अभिषेक किया जाएगा। वहीं कालचक्र मैदान में दलाई लामा के लंबी आयु के लिए पूजा की जाएगी, जिसमें पूरे विश्व के आए लगभग 50 से 60 श्रद्धालु शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस 3 दिवसीय टीचिंग कार्यक्रम के दौरान बोधिसत्व को दीक्षा दी जाएगी। बिजली दर बढ़ाने को लेकर बिजली कंपनियों ने दिया प्रस्ताव। बिहार के बिजली कंपनियों के द्वारा विनियामक आयोग को घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कुटीर उद्योग, स्ट्रीट लाइट व सिंचाई सहित सभी मदों में बिजली दर को लगभग दोगुना करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा 20 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली जन सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही बिजली कंपनियों ने नियमित भुगतान करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिल सके इसके लिए 1% छूट देने का निर्णय लिया है, जो कि तिमाही में निर्गत बिल पर अगले माह के बिल में दी जाएगी। वहीं यह छूट उन उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा जो ऑनलाइन तरीके से बिल का भुगतान करेंगे। 24 दिन चलेगी सीटीईटी परीक्षा। सीबीएसई के द्वारा सीटीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इस परीक्षा की शुरुआत 28 दिसंबर यानी कि बीते दिन से हो चुकी है, जो कि 7 फरवरी तक चलेगी। बता दें कि शेड्यूल के अनुसार सीटीईटी का एग्जाम 24 दिन चलेगा। इस बार इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 32 लाख से अधिक है, जिनमें से बिहार के कुल 5.46 लाख अभ्यर्थी शामिल है। वहीं इस परीक्षा के लिए बिहार राज्य में कुल 7 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनमें आरा, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। बताते चले कि यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पिछले 24 घंटे में नहीं मिले एक भी कोरोना के नए केस। बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 50,160 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें एक भी नए मरीज सामने निकल कर नहीं आए, जिसके बाद प्रदेश में फिलहाल कोरोना के मरीज 14 है। इस बात की जानकारी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अभी राज्य में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग IGIMS में कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुछ बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करके रखा जाए।
इस साल भी पूरा नहीं हुआ नालंदा में इंटरनेशनल स्टेडियम का काम। बिहार के नालंदा जिले में बनाए जा रहे इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण इस साल भी पूरा नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम के निर्माण को लेकर 2016 में राज्य कैबिनेट से प्रपोजल अप्रूव किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी की नींव रखी गई थी। वहीं वर्ष 2021 के सितंबर में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने यह कहा था कि बिहार दिवस मार्च 2022 तक इस स्टेडियम की शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन अब तक स्टेडियम का केवल 40% ही काम पूरा किया जा सका है। बोधगया से गायब हुई चीन की महिला। इन दिनों बिहार के ज्ञान की भूमि बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा कालचक्र पूजा को लेकर एक महीने के प्रवास पर आए हैं। वहीं इस दौरान देश विदेश से कई श्रद्धालुओं भी गया में आए हुए हैं। ऐसे में एक चीनी महिला की गया से गायब होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस के द्वारा चीनी महिला की तस्वीर जारी कर लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी के पास उस महिला की जानकारी है तो इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी को दिया जाए। गायब हुई इस महिला का नाम मिस सोंग सियोल बताया गया है, जो करीब पिछले 2 साल से गया में ही रह रही थी। मोदी नीतीश ने बिहार में पैदा हुए महान विभूति को किया नमन। आज ही के दिन बिहार में पैदा हुए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक पुराने भाषण के वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट कर कहा है कि गुरु गोविंद सिंह का साहस आने वाला वर्षों में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करता हूं और मानवता के लिए उनके योगदान को याद करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर सभी राज्यवासियों और देशवासियों को बधाई दी और कहा कि उनके जीवन त्याग बलिदान और मानवता की सेवा को समर्पित है। उनके संदेशों को अपनाना यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर विजय चौधरी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हाल ही में दिए गए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के द्वारा इतिहास को बदलने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल इतिहास में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, जिस वजह से वह बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ये सभी देश के आजादी के दौरान भी कट्टरता एवं सांप्रदायिक भावनाओं को हवा दे रहे थे और अंग्रेजों की धुन पर नाच रहे थे। इन्हीं के द्वारा रची गई दुर्भावना से महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन प्रश्न यह है कि इतिहास को फिर से लिख देने से सच्चाई कैसे बदलेगी। इतिहास बदलकर जनादेश की अपेक्षा और सम्मान नहीं होता, बल्कि राष्ट्र का भविष्य बनाकर होता है। मनोज तिवारी ने बिहार सरकार पर बोला हमला। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब अपने पैतृक गांव मोहनिया पहुंचे दिल्ली के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिहार में शराबबंदी सिर्फ ढकोसला है। जब यहां शराबबंदी थी तो बिहार में शराब आया कहां से? इतने गरीब परिवार के लोग मरे कैसे? यह धोखा बिहार के साथ क्यों हुआ? शराबबंदी का मतलब होता है कहीं से शराब न मिलना, लेकिन आज मीडिया स्टिंग कर रही है, शराब कैसे बन रहा है, कैसे बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी तो बंद नहीं की, लेकिन लोगों को क्रिमिनल जरूर बना दिया है। नीतीश के खास ने चिराग पासवान का उड़ाया उपहास। जेडीयू के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने चिराग पासवान के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर बिहार में राष्ट्रपति शासन स्थापित करने को लेकर उनका उपहास उड़ाते हुए कहा है कि बिहार सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान कह रहे थे कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है, लेकिन यह ऐसा हनुमान है जिसने अपने ही अयोध्या में आग लगा दी है। चिराग पासवान अभी राजनीति में नए हैं, उन्हें अपने पिता की तरह राजनीति में स्थापित होने के लिए और प्रयास करना चाहिए। अब केंद्र सरकार किसी भी बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती है। उप कप्तान बनने के बाद पिता से मिला सूर्या को यह खास संदेश। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे वनडे और टी20 सीरीज के लिए टी20 टीम में रोहित की अनुपस्थिति में टीम की कमान हार्दिक पांड्या को सौंप दी है। तो वहीं उप कप्तान के रूप में सूर्या कुमार यादव को चयन किया गया है, जिसके बाद सूर्या कुमार यादव के पिता के द्वारा उन्हें एक खास संदेश मिला, जिसमें उनके पिता ने कहा कि किसी तरह का दबाव मत लेना और अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार है जब सूर्या कुमार यादव को उप कप्तान के रूप में चुना गया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो अपना प्रदर्शन दिखाया है उसका ही इनाम मुझे मिला है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं इसके लिए तैयार हूं।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, अमर आजाद, प्रमोद कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, कविता कुमारी, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, मुटुर रंगीला, रविशंकर, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद सकीर हुसैन, गोविंद कुमार, रंजीत यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सूर्य कुमार यादव T20 में कप्तान बनने की क्षमता रखते हैं या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।